हेलो गाइस, दिस इज ब्रोस प्रो और आज हम बात करेंगे मराठा राजाओं के बारे में। इसमें हम छत्रपति शिवाजी महाराज के पूर्वज बाबाजी राजे भोसले से उदयन राजे भोसले तक सभी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। अगर आपने हमारा मराठा साम्राज्य का वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक कीजिए। बाबाजी भोसले, जिनका जन्म 1549 में हुआ, जिनको दो बेटे थे, मालोजी भोसले और विठोजी भोसले। मालोजी भोसले का जन्म 1570 में हुआ। उनकी दूसरी पत्नी उमाबाई निम्बालकर को दो बेटे थे, शाहजी और शरीफ जी। शाहजी महाराज भोसले का जन्म 1594 में हुआ और शरीफ जी का जन्म 1596 में हुआ। शाहजी को तीन पत्नियां थी, जीजाबाई, तुकाबाई और नरसाबाई। जीजाबाई, जिनको आऊ साहेब बोला जाता है, उनको दो बेटे थे जिनका नाम संभाजी और शिवाजी था। तुकाबाई के दो बेटों का नाम एकोजी और कोयाजी था और नरसाबाई के बेटे का नाम संताजी था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में हुआ। उनके दो बेटे थे, उनका नाम संभाजी और राजाराम था। संभाजी महाराज का जन्म 1657 को हुआ और राजाराम महाराज का जन्म 1670 को हुआ। यहाँ से मराठा साम्राज्य के भोसले वंशज कोल्हापुर और सातारा में रहने लगे। क्योंकि संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे, हम उनका वंशज आगे बताएंगे। संभाजी महाराज को एक बेटा था, उनका नाम शाहू था। शाहू महाराज का जन्म 1682 को हुआ। उन्होंने दूसरे राजा राम यानी कि राम राजा को गोद लिया। राम राजा का जन्म 1726 में हुआ। दूसरे शाहू महाराज भोसले का जन्म 1763 में हुआ। उनके बेटे का नाम प्रताप सिंह रखा गया। प्रताप सिंह महाराज भोसले का जन्म 1793 में हुआ। उन्होंने दूसरे शाहजी को गोद लिया। दूसरे शाहजी का जन्म 1802 में हुआ। उन्होंने 1839 से लेकर 1848 तक राजगद्दी संभाली, जिन्हें अप्पाजी भी कहा जाता है। उनके बाद प्रताप सिंह राजे भोसले 1865 से लेकर 1874 तक छत्रपति बने। उनके बाद तीसरे राजाराम महाराज भोसले ने 1874 से लेकर 2904 तक राजगद्दी संभाली।